चरणों में सुनिश्चित करूँ मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करके अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आकर के प्रदेश की जनता की सेवा करने का जनादेश दिया है। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे फिर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के नाते दायित्व दिया है। संजू, मैं प्रयागराज की धरती पे खड़े होकर यह लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, विकास की जो गंगा 2017 से 2022 तक बह रही थी, अरे केशव जी की बैठ हो रही है, केशव जी की बैठ हो रही है के साथ, केशव जी की 2022 और 2027 के बीच में बहाने का काम करेंगे। विकास का काम रुकने नहीं पाएगा। अभी तक हम ये कहते थे कि हम 2012 से 17 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार की जब तुलना करते थे तो हम 2017 से 22 में उनसे बहुत आगे निकल करके प्रयागराज को भी विकास के रोड मैप पर एक बड़ा स्थान दिलाने में कामयाबी मिली है। प्रदेश को भी कई क्षेत्रों में नंबर एक के स्थान पर पहुंचाने में कामयाबी मिली है। लेकिन अब 2017 से 2022 में जो हम लोगों ने काम किया है उससे अच्छा काम 2022 से 2027 के बीच में यहाँ पर करने का एक संकल्प लेकर के हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं। 100 दिन का प्रथम चरण में रोड मैप है, सरकार के सभी विभाग प्रथम 100 दिन में क्या क्या करेंगे उसकी कार्य योजना तैयार हो गई है। मैं आज सीएम द्वारा बनने के बाद ये तो जाने नहीं दे, प्रयागराज की धरती माटी को अपने मस्तक पर लगाने का मुझे सौभाग्य फिर से मिला है और इसके लिए मैं अपने संगठन के एक एक कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की एक एक जनता को यही आह्वान करूंगा, इस महत्वपूर्ण स्थान से, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से, कि 2014 से 2022 तक 4 विजय यानी जीत का चौका हम लोग लगा चुके हैं और 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें 75+ के संकल्प के साथ सरकार के माध्यम सेवा के माध्यम से सेवा और संगठन के माध्यम से 75+ के संकल्प को पूरा करने का अभियान या दोनों आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश जी ने कहा है कि लोकतंत्र की सीरियल किलर है बीजेपी। देखिए श्री अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है एक मनोरोगी की तरह लगातार बयानबाजी करते हैं। उनके बयान और समाजवादी पार्टी का इतिहास दोनों जब आप उठा करके देखेंगे तो यह ध्यान में आएगा कि जो लोकतंत्र के हत्यारे की तरह इसी प्रयागराज की धरती पर माननीय उच्च न्यायालय में क्या हुआ था जब सपा की सरकार थी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक पार्टी है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली पार्टी है। लोकतंत्र के बल पर हम लगातार उत्तर प्रदेश में और देश में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। अभी 2022 में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उन 5 में से 4 राज्यों में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई है, प्रचंड बहुमत के साथ आई है और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले विजय यात्रा पर हैं और गुंडों और अपराधियों और माफियाओं और आतंकवादियों के प्रति आस्था रखने वाले वनवास में, राहुल गांधी और वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। बहुत उन्होंने मंसूबे पाल रखे थे कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे, लेकिन जनता ने गुंडागर्दी को, अपराध को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और विकास को स्वीकार किया। राहुल गांधी जी ने जिस तरह का बयान केंद्र सरकार को लेकर दिया है कि मोदी जी की सरकार निकम्मी सरकार है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई सांसद अगर किसी पार्टी का बड़ा नेता करता है, लगता है कि कांग्रेस को
श्री राहुल गांधी जी के बारे में विचार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का मत अस्पष्ट है कि उनके बयान कभी गंभीर नहीं होते। जितने बयान अगर आप जब से वो राजनीति के अंदर आए हैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते चाहे सांसद के नाते, जब से तब से अब तक उनका बयान कोई भी गंभीरता से, कांग्रेस के लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते तो भाजपा कैसे गंभीरता से। मुर्तजा का कनेक्शन आतंकी कनेक्शन निकल रहा है। वो जांच एसटीएफ भी कर रही है और बहुत तथ्यों के आधार पर कर रही है, गहराई से जांच कर रही है। वो अपराधी है कि आतंकवादी है, तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसी उसको बताएगी। समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी यह प्रमाण पत्र जो देने की कोशिश कर रहे हैं वो न इस प्रकार का बयान दें। वो पुलिस का मनोबल गिराने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपराधियों और आतंकी मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला काम करते हैं। ये भैया आगे बढ़िया।